हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल म्यूजिक वर्ल्ड में। आज के इस टाइम में सभी के अंदर इंग्लिश सॉन्ग सुनने का बहुत क्रेज है, पर इंग्लिश के साथ आजकल लोग केपॉप भी बहुत सुनने लगे हैं और इसका सबसे बड़ा रीजन है केपॉप बैंड। केपॉप मतलब वो म्यूजिकल बैंड जो कोरिया से हो, और ऐसे बहुत सारे केपॉप बैंड है जो कि पूरी दुनिया में फेमस होते जा रहे हैं, चाहे वो एक गर्ल ग्रुप हो या बॉयज ग्रुप। पर सबसे टॉप में जो बैंड है जिसने सभी केपॉप बैंड को पीछे छोड़ दिया, उसका नाम है BTS बैंड। तो मुझे BTS को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत तो नहीं है, पर फिर भी जो लोग मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं और जिन्हें ये पता नहीं है कि BTS क्या है, तो मैं बता देता हूँ कि BTS एक 7 मेंबर्स वाला केपॉप बैंड है एंड पूरे वर्ल्ड में इनकी फैन फॉलोइंग बहुत ही ज्यादा है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको BTS के वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में बताने वाला हूँ, चाहे वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हो, चाहे वो यूट्यूब का रिकॉर्ड हो या फिर ट्विटर का। तो चलिए बिना किसी देर की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं उन रिकॉर्ड्स को। तो पहले हम देख लेते हैं इनके यूट्यूब रिकॉर्ड्स को। तो पहला जो रिकॉर्ड है वो है इनके सॉन्ग ब्लड स्वेट एंड टीयर्स का। तो इनके इस सॉन्ग ने रिलीज होते ही मोस्ट व्यू फॉर ए केपॉप ग्रुप म्यूजिक वीडियो इन 24 आवर में रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया था, एंड इनके इस सॉन्ग को 24 आवर में 6.3 मिलियन व्यू मिला था। तो दूसरे रिकॉर्ड में BTS ने अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ा था, जिसमें उनके सॉन्ग स्प्रिंग डेज ने 24 आवर के अंदर ही 9 मिलियन व्यू कंप्लीट कर दिए थे। अगला जो रिकॉर्ड है वो उनके सॉन्ग स्प्रिंग डे का है। ये रिकॉर्ड है फास्टेस्ट केपॉप ग्रुप वीडियो टू रीच 10 मिलियन व्यूज इन जस्ट 26 आवर्स। एंड अगला जो रिकॉर्ड है उसमें उन्होंने सेम कैटेगरी में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है, फास्टेस्ट केपॉप ग्रुप वीडियो टू रीच 20 मिलियन व्यूज। तो अगला जो रिकॉर्ड है वो है इनके सॉन्ग नॉट टुडे का। इनके इस सॉन्ग ने मोस्ट व्यू वीडियो इन 24 आवर टू डेब्यू ऑन द यूट्यूब टॉप 100 चार्ट के रिकॉर्ड में आया था विद 13.1 मिलियन व्यू। अगला जो रिकॉर्ड है वो इनके सॉन्ग ब्लड स्वेट एंड टीयर्स का है। इस सॉन्ग ने मोस्ट लाइक फॉर ए केपॉप ग्रुप म्यूजिक वीडियो का रिकॉर्ड बनाया था विद 1.7 मिलियन लाइक्स। अगला जो रिकॉर्ड है वो फास्टेस्ट केपॉप वीडियो टू रीच 1 मिलियन लाइक्स। इनके सॉन्ग DNA ने 8 घंटे में ही 1 मिलियन लाइक कंप्लीट कर लिए थे। अगला जो रिकॉर्ड है वो डायनामाइट सॉन्ग का रिकॉर्ड है। इस सॉन्ग को यूट्यूब पे 24 आवर के अंदर सबसे ज्यादा देखा गया था, एंड मोस्ट व्यू यूट्यूब वीडियो इन 24 आवर एंड मोस्ट व्यू यूट्यूब म्यूजिक वीडियो केपॉप आर्टिस्ट की तरफ से भी ये रिकॉर्ड है। एंड जो अगला सॉन्ग है उसका नाम है बटर। इस सॉन्ग ने बहुत सारे यूट्यूब रिकॉर्ड तोड़े हैं, जैसे कि 24 आवर के अंदर सबसे ज्यादा व्यू जाने वाला जो सॉन्ग का रिकॉर्ड था वो डायनामाइट सॉन्ग के पास था, जिसमें 24 आवर में यूट्यूब पे 101 मिलियन व्यूज आए थे। पर बटर वीडियो पे 24 आवर में 108 मिलियन व्यूज आए हैं, एंड बटर सॉन्ग अपलोड होते ही 13 मिनट के अंदर 10 मिलियन व्यू कंप्लीट कर लिए थे। तो अब देख लेते हैं इनके ट्विटर रिकॉर्ड्स को। BTS बैंड के ट्विटर पे हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्विटर फॉलोअर्स है फॉर ए कोरियन अकाउंट के लिए। इन लोगों ने अपना ही रिकॉर्ड 7 बार ब्रेक किया है। दूसरा जो ट्विटर रिकॉर्ड है वो है मोस्ट सोशल मीडिया एंगेजमेंट का। इनके एक पोस्ट को 502 मिलियन लाइक्स एंड रीट्वीट मिले थे। अगला जो ट्विटर का रिकॉर्ड है वो है मोस्ट ट्वीट अंडर ए सिंगल हैशटैग इन 24 आवर का है। इनका हैशटैग #IVoteBTSBBMS को 45 मिलियन ट्वीट मिले थे। अब बात कर लेते हैं इनके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में। तो जो पहला रिकॉर्ड है वो मोस्ट ट्विटर एंगेजमेंट एक मेल ग्रुप के लिए है विद 152 मिलियन रीट्वीट के साथ। तो जो अगला रिकॉर्ड है वो मोस्ट ट्विटर एंगेजमेंट का रिकॉर्ड है, और वो भी हर कैटेगरी में। इनके एक ट्वीट को 252 मिलियन टाइम्स रीट्वीट किया गया था। तो ये थे वो रिकॉर्ड जो BTS ने बनाए थे यूट्यूब, ट्विटर एंड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी अमेजिंग कंटेंट मैं लाते रहता हूँ। एंड कमेंट में बताएं अगर आपको किसी भी टॉपिक वीडियो चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।